So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do examples of NCERT class 10 science chapter number 12 electricity. So without wasting time, let us start with the first example, example number 12.1. Okay, so let's start. Question is, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. सो मेन मेन पॉइंट्स पहले हाईलाइट कर लेते हैं. हमें करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर का. इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट. टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स का. एंड हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है. मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू. सो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है एक आई दिया हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. ओके आई विल राइट हेयर इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है हमें. टाइम दिया हुआ है एक हमें, और एक चार्जेस हमें फाइंड करने को कहा हुआ है. सो ये तीन चीज़ों में क्या रिलेशन है, सबसे पहले तो ये देखो क्या रिलेशन क्या है इन तीन चीज़ों में. सो इसमें क्या रिलेशन है, दैट क्यू इज इक्वल टू आई टी. सो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, दैट क्यू इज इक्वल टू आई टी. क्यू हमें फाइंड करना है, आई भी हमें दिया हुआ है, टी भी. बट सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके एस आई यूनिट सही हैं कि नहीं. देखो अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला में जब हम डालते होते हैं टाइम, तो जो टाइम होते हैं वो सेकेंड्स में होते हैं. बट हमें यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ, मिनट्स में दिया हुआ है. तो पहले हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 10 × 60 दैट इज 600 सेकेंड्स होते हैं 10 मिनट्स में. तो जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है. ओके सो क्यू इज इक्वल टू आई टी. अब पुट कर लेते क्यू हमें फाइंड करना है. आई हमें दिया हुआ है 0.5, टाइम कितना है 600 सेकेंड्स. सो ये अपॉन में आ जाएगा 10, ये कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज 300. सो क्योंकि ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम्ब. सो 300 कूलम्ब. सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. नाउ लेट अस सी सेकेंड एग्जांपल. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. तो सबसे पहले वही हम हाईलाइट कर लेंगे मेन पॉइंट्स को. सो ओके ये तो कोई मेन पॉइंट नहीं है. ओके सो फर्स्टली हमें उन्होंने दिया हुआ है कि हमें वर्क फाइंड आउट करना है. ठीक है, कैसे, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. सो 2 कूलम एंड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक वर्क फाइंड आउट करने के लिए कहा है, दूसरा क्या है, हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए हुए हैं मीन्स क्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी. ओके सो हमें ये तीन चीज़ें दी हुई हैं. अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, आप ऐसे करा करो क्वेश्चन को, पहले मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लिया करो, फिर कौन सी तीन चीज़ें दी हुई हैं और उनके बीच का रिलेशन क्या है. सो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है पहले तो. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू. सो सिंपली हमें W फाइंड करना है, V हमारे पास है दैट इज 12 एंड Q भी हमारे पास है दैट इज 2. सो 24 जाउल इज आवर आंसर बिकॉज वर्क इज मेजर्ड इन जाउल्स. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो नाउ 12.3 एग्जांपल इज, हाउ मेनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. सो फिर बीफ पार्ट स्टार्ट हो जाता है. सो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, पहले हम पार्ट नंबर ए करते हैं. सो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट करते हैं. सबसे पहले तो हाउ मेनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. सो सबसे पहले इसमें हमें करंट पूछा है, देन हमें इसमें वोल्ट दिए हुए हैं कितने हैं, मीन्स हमें क्या दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, देन हमें रेजिस्टेंस दी हुई है. तो हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या, करंट दैट इज आई, देन वी पोटेंशियल डिफरेंस. ओके पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड इज आर रेजिस्टेंस. एंड अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो हमें सब कुछ दिया ही हुआ है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. आई हमें निकालना है, वी हमारे पास है. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 220 एंड देन रेजिस्टेंस कितनी है, 1200. सो जस्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ चुका. सो हमारा आंसर आ गया 0.1833
Okay. Clear? So now next part is, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? So ये दोनों question same ही है एक तरीके से, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें हमें resistance 1200 ohm दी हुई है, इसमें हमें 100 ohm दी हुई है. क्लियर. सो इन्होंने बोला अगर हम करंट एक इलेक्ट्रिक हीटर से पास करेंगे, पहले हमने किस में पास किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब में से, इसमें हम इलेक्ट्रिक हीटर में पास करें, हमारे पास वोल्ट सेम है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हमें करंट ही फाइंड आउट करना है, बस हमारी रेजिस्टेंस 100 है. सो देखो हमें इसमें ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस. सो अब हमें इन तीनों का रिलेशन पता ही है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो जस्ट हमें इसमें आर चेंज करना है, आई हमें फाइंड करना है, वी हमारी कितनी है इसमें 220. ओके जस्ट वेट, 220 एंड देन आर कितनी है हमारी 100. सो 220 अपॉन 100, सो हमारा आंसर कितना आ गया 2.2 एम्पियर, बिकॉज आई के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, मींस इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर. सो 2.2 एम्पियर. सो दिस इज दिस क्वेश्चन, इसमें जस्ट हमें ओम्स लॉ वाला रिलेशन पता होना चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120. सो सी, इसमें हमें क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच का 60 वोल्ट है, जब वो करंट कितना पास करते हैं 4 एम्पियर का, जब वो 4 एम्पियर का करंट पास करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 60 वोल्ट. कहते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने 120 वोल्ट की कर दी तब करंट कितना पास होएगा, अगर 60 पे 4 एम्पियर का पास हो रहा है, कहते हैं जब हमने 120 की कर दी तो कितना पास होएगा, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे. सो सी, रेजिस्टेंस टॉपिक आता है यहाँ पे एक. सो रेजिस्टेंस क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ये चेंज कर सकते हैं वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं, करंट चेंज हो सकता है, पर रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी. तो हम अगर इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लें और वो रेजिस्टेंस इसमें डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट सी मैं कैसे करती हूँ. सो सी, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. सो मैं ये दोनों दोबारा नहीं लिखूंगी, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो तीनों में रिलेशन क्या होता है हमारा. सो मैंने आपको बताया था बाय ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो देखो हमें इसमें आई दिया हुआ है 4 एम्पियर, वोल्ट हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है इसमें से. सो रेजिस्टेंस इधर चल जाएगी, 60 अपॉन 4 इज आर आंसर, दैट इज 15 ओम. अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है, और जब हम वोल्ट को इंक्रीज कर देंगे बाय 120 तब जो रेजिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, तो हम उसमें भी वो रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं. अब देखो इस फॉर्मूले में, अब हम सेकेंड वाली स्टेटमेंट को पुट करके देखते हैं. सेकेंड वाली स्टेटमेंट के लिए रेजिस्टेंस सेम है 15, सेकेंड वाली स्टेटमेंट में हमारा वोल्ट कितना है 120, करंट हमें फाइंड करना है. सो इससे हमारा आंसर आ गया, हमारा करंट कितना आ गया 8 एम्पियर. क्लियर. सो ये क्वेश्चन हमने किस बेस पे फाइंड किया, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है हमेशा. क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं, करंट चेंज कर सकते हैं, पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल के इसमें पुट कर दिया, बिकॉज दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप सो आपको चारों एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाय एग्जांपल नंबर 12.5. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.